Hello everyone, welcome back to my channel Commerce Knowledge Pool. In the last video we have discussed the paper pattern of subject secretarial practice. Today we are going to discuss with the other subject, that is economics paper pattern. So let's start with the paper pattern of subject economics. And yes students, agar aapne abhi tak mere channel ko subscribe nahi kiya hai to do like, share and subscribe all my videos with your friends and classmates. And one more thing students, agar aapne abhi tak studies ko shuru nahi kiya hai ya aapne studies ko plan nahi kiya hai to aap pehle mere playlist mein jaake OC aur SP ka jo bhi paper pattern hai, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप चेक कीजिए एंड अकॉर्डिंगली आपके स्टडीज को प्लान कीजिए. एंड यस, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी पॉइंट एनी कॉन्सेप्ट सो डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स. आई विल बी मच हैप्पी टू शेयर ऑल योर डाउट्स एंड क्वेरीज, सो डू मेंशन इन कमेंट बॉक्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ पेपर पैटर्न ऑफ सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स. सो first of all we have to discuss with unit wise marks distribution of your chapters. So yahan pe chapter number 1, that is introduction to micro and macro economics, jo compulsory marks cover karta hai, that is 7 marks and marks with options are 10. Second chapter, that is utility analysis, jahan pe compulsory 7 marks and marks with options are 10. क्वेश्चन नंबर थर्ड, चैप्टर नंबर थर्ड ए, दैट इज डिमांड एनालिसिस, कंपलसरी आर 8 मार्क्स एंड मार्क्स विद ऑप्शंस आर 12. थर्ड बी, दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो आपका मार्क्स कितना है, कंपलसरी 8 मार्क्स एंड 12 दैट इज मार्क्ड विद ऑप्शन. अभी इससे हमें ये समझ में आता है कि थर्ड ए एंड बी टोटल आपका कितना मार्क्स कवर करता है, 16 मार्क्स कवर करता है. सो 18 मार्क्स में से 16 मार्क्स इज देयर फॉर चैप्टर नंबर 3A एंड चैप्टर नंबर 3B. चैप्टर नंबर 4, दैट इज सप्लाई एनालिसिस, कंपलसरी मार्क्स दैट आर 7 एंड मार्क्स विद ऑप्शंस आर 10. चैप्टर नंबर 5, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, कंपलसरी 7 मार्क्स एंड मार्क्स विद ऑप्शंस आर 10. चैप्टर नंबर 6, इंडेक्स नंबर, जो आपके लिए इस बार न्यू चैप्टर है, लास्ट टाइम वो नहीं था, दिस टाइम इट इज अ न्यू चैप्टर इन 12th स्टैंडर्ड, जो आपका कंपलसरी 8 मार्क्स है एंड 11 मार्क्स दैट इज विद ऑप्शन. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7, नेशनल इनकम, दैट इज फॉर 8 मार्क्स एंड मार्क्स विद ऑप्शंस आर 12. चैप्टर नंबर 8, दैट इज पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, दैट इज कंपलसरी 8 मार्क्स एंड मार्क्स विद ऑप्शंस आर 12. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, विच इज फॉर 8 मार्क्स कंपलसरी एंड मार्क्स विद ऑप्शंस आर 11. एंड लास्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 10, फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, दैट इज फॉर 4 मार्क्स एंड मार्क्स विद ऑप्शंस आर 6. सो यहाँ पे अगर हम कवर करेंगे या इसको अच्छे से नोटिस करेंगे तो यूजुअली आपके चैप्टर जो कंपल्सरी है वो 7 या 8 मार्क्स के, आपका लास्ट चैप्टर जो 4 मार्क्स का कंपलसरी है, और हाईएस्ट वेटेज के अकॉर्डिंगली अगर हम देखेंगे तो चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 विच कैरी टोटल 16 मार्क्स. सो यूजुअली 7 टू 8 मार्क्स के आपके चैप्टर्स हैं, सो उसके अकॉर्डिंगली आप स्टडी कर सकते हो. नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट जो 20 मार्क्स का होता है, जो आपका कॉलेज लेता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ पेपर पैटर्न ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट which carries 20 marks. जहाँ पे question number 1, choose correct option which is for 4 marks, odd man out which is for 4 marks, complete the correlation which is again for 4 marks, give economic term which is again for 4 marks, and at the last there is one situation जो आपको express करना होगा. आपको दो situation दिया होगा, that is situation 1 and situation 2. सो उसमें एक सिचुएशन 2 मार्क्स का होगा, वैसे टोटल आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 5 होगा. तो इस तरह से अगर हम एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट को स्टडी करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि एवरी क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, जिससे आपका टोटल बनता है 20 मार्क्स. सो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करें, वी आर डिस्कसिंग अबाउट
चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। सो अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हो, चैप्टर वाइज अपना स्टडीज को शुरू कर सकते हो। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड पेपर पैटर्न फॉर 80 मार्क्स बोर्ड एग्जामिनेशन, जिसके लिए आपको टाइम 3 आवर्स होगा एंड मार्क्स इज 80 मार्क्स। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1A, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच इज फॉर 5 मार्क्स। 1B, कंप्लीट द सेंटेंस फॉर 5 मार्क्स। 1C, गिव इकोनॉमिक टर्म फॉर 5 मार्क्स। 1D, फाइंड ऑड वर्ड आउट 5 मार्क्स। कंप्लीट द स्टेटमेंट फॉर 5 मार्क्स। चूज द रॉन्ग पेयर, आपको रॉन्ग पेयर सिलेक्ट करना है विच इज फॉर 5 मार्क्स। आपको रीजनिंग का एक क्वेश्चन होता है जहां पे आपको रीजन देना होता है विच इज अगेन फॉर 5 मार्क्स। एंड एट द लास्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप ऑफ पेयर, आपको यहाँ पे सर्टन पेयर दिया होगा उसमें से आपको करेक्ट ग्रुप को सिलेक्ट करना है जो आपका कितना मार्क्स होगा, 5 मार्क्स का होगा। अगेन अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 में देर आर एन नंबर ऑफ सब क्वेश्चन विच आर मेंशन, बट यही सब क्वेश्चन में से आपको कोई भी 4 सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में होंगे विच कैरीज अ 20 मार्क्स। तो जिस तरह से आपका OC और SP में 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स थे, उसी तरह से यहाँ पे भी आपके कितने मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं, 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज अगेन उसमें ए एंड बी है, दैट इज फर्स्ट वन आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट। आपको यहाँ पे एक सेंटेंस दिया होगा जिसमें पहले आपको एक कंसेप्ट को आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना है। उस तरह से यहाँ पे टोटल 5 स्टेटमेंट्स दिए होंगे और आपको 3 सिलेक्ट करना है और आंसर करना है, तो उसका मार्क्स आपको कितना होगा, 6 मार्क्स। इससे समझ में आता है कि 1 कंसेप्ट इज फॉर हाउ मच मार्क्स, 2 मार्क्स। ऐसे आपको 3 कंसेप्ट लिखने हैं, वर्ड को आइडेंटिफाई करना है और उसको एक्सप्लेन करना है विच इज फॉर 6 मार्क्स। सेकेंड बी, डिस्टिंग्विश बिटवीन, अगेन इट इज फॉर 6 मार्क्स। 5 आपको डिस्टिंग्विश दिए होंगे उसमें से आपको 3 लिखने हैं, सो 1 कैरी फॉर 2 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अगेन 5 विल बी देयर, आपको 3 अटेम्प्ट करना है और आपका मार्क्स होगा 12 मार्क्स। इससे आपको समझ में आता है 1 कैरी फॉर 4 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एग्री और डिसएग्री, जैसे कि आपके SP और OC में ट्रू और फॉल्स होते हैं, उसी तरह से यहाँ पे क्या है, एग्री और डिसएग्री, जो आपके 12 मार्क्स के हैं, अगेन 5 दिया होगा, आपको 3 अटेम्प्ट करना है, 1 फॉर 4 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज स्टडी द फॉलोइंग फिगर और पैसेज, ये जो है इस बार ही न्यू पेपर पैटर्न में इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसे आपके इंग्लिश में पैरा होते हैं, आपके सर्टन फिगर्स होते हैं, उसी तरह से इकोनॉमिक्स में आप अगर टेक्स्ट बुक के पीछे देखोगे एक्सरसाइज में, तो आपको सर्टन पैसेजेस मिलेंगे, वो पैसेज को आपको स्टडी करना है और क्वेश्चन को आंसर करना है। वो आपको कितने मार्क्स का होगा, दैट इज फॉर 8 मार्क्स। आपको 3 दिया होगा, आपको 2 अटेम करना है, तो 1 इज फॉर 4 मार्क्स। नेक्स्ट वन, दैट इज आंसर इन डिटेल विच इज फॉर अगेन 16 मार्क्स। जहां पे आपको 3 दिया होगा, आपको 2 अटेम्प्ट करना है, जहां पे 1 होगा आपका 8 मार्क्स का। इस तरह से आपका टोटल पेपर होता है 80 मार्क्स का और उसका टाइम आपको कितना दिए, 3 आवर्स। सो इस तरह से आज के वीडियो में हमने क्या कंप्लीट किया, क्या देखा, पहले हमने चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को देखा, राइट, देन वी सॉ द एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट जो 20 मार्क्स का है, एंड अभी हमने देखा 80 मार्क्स का पेपर पैटर्न, जो न्यू सिलेबस, न्यू पेपर पैटर्न जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने इंट्रोड्यूस किया है। सो आई होप आपको अच्छे से पेपर पैटर्न, जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट से, वो सब अच्छे से समझा होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, यू आर फ्री टू आस्क इन कमेंट बॉक्स। जितना आप डाउट्स पूछोगे उतना ही आपको बेटर वे से समझ में आएगा। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू मेंशन एनी डाउट इफ यू हैव इन द कमेंट बॉक्स बिलो, ओके। एंड अगर आपने पहले के OC और SP का अगर आपने वीडियो चेक नहीं किया है, तो इस वीडियो में आपको OC और SP का पेपर पैटर्न का डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा,
So you can go and check all the paper patterns of subject OC and SP and do study accordingly. अगर आपने अभी तक स्टडी शुरू नहीं किया है तो दिस इज द राइट टाइम टू स्टडी एज मच एज पॉसिबल, जिससे आप क्या कर सकते हो, खुद को एजुकेट कर सकते हो और अपने 12th स्टैंडर्ड को परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हो. सो बेटर ट्राई टू सपोर्ट. एंड अभी तक आपने जितना मुझे प्यार एंड सपोर्ट दिया है उसके लिए बड़ा सा थैंक यू. एंड इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.